नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं वी इंडिया न्यूज चैनल। चलो नजर डालते हैं आज के कुछ बड़ी खबरों पर। नक्सलियों को हाईकोर्ट हथियार और विस्फोटक सामग्रियों की सप्लाई मामले में एक और आरोपी आम गांव से गिरफ्तार। बालाघाट पुलिस को नक्सलियों का हाईकोर्ट हथियार, विस्फोटक सहित अन्य वस्तुओं की सप्लाई करने वाले मामले में एक और सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने महाराष्ट्र गोंदिया के आमगांव में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसने आज सोमवार को न्यायालय में पेश कर पूछताछ के लिए पुलिस अभिरक्षा में लिया है। महाराष्ट्र राज्य गोंदिया जिले में पुलिस की गिरफ्तारी में आए एक आरोपी का नाम गोंदिया आमगांव निवासी वचन खंडारे बताया गया है। आपको बता दें कि नक्सलियों को हाईकोर्ट हथियार, विस्फोटक सहित अन्य वस्तुओं की सप्लाई करने वाले मामले में पुलिस ने इसके पूर्व 8 जुलाई को जिले की किरनापुर तहसील के ग्राम बोरबन निवासी वर्जुन उइके को गिरफ्तार किया था। इस तरह इस पूरे मामले में पुलिस ने अब तक 10 आरोपियों की गिरफ्तारी कर चुकी है, जबकि पूछताछ के आधार पर इसी मामले में 4-5 आरोपी अब भी पुलिस की रडार पर हैं। पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने बताया कि नक्सलियों के हथियार, विस्फोटक सामग्री सहित अन्य वस्तुओं की सप्लाई करने वाले एक गिरोह के 8 सदस्यों को विस्फोटक सामग्री हथियार के साथ किरनापुर के किन्ही जंगल के पास से गिरफ्तार किया गया था, जिनसे की गई पूछताछ में उन्होंने किरनापुर बोरबन निवासी वर्जुन उइके और गोंदिया आमगांव निवासी वचन खंडारे का नाम सामने आया था, जिस पर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस तरह अब तक 10 आरोपी इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं, जो गढ़चिरौली, गोंदिया, बालाघाट में नक्सलियों के हथियार, विस्फोटक सामग्री सहित अन्य वस्तुएं पहुंचाने का काम करते थे। अब तक की गई पूछताछ में 3 से 4 और आरोपियों के नाम सामने आए हैं, जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आरोपियों से की गई पूछताछ में उन आरोपियों ने जमीन के अंदर पिस्टल सहित अन्य विस्फोटक सामग्रियों को छुपाने की जानकारी दी थी, जिसे जब्त कर लिया गया है। उन्होंने इस पूरे मामले में आगे भी कई खुलासे होने की बात कही है। जो प्रथम चरण में हमने 8 आरोपी पकड़े थे, उनसे आगे की पूछताछ में उन्होंने कुछ अन्य नाम भी बताए जिनके द्वारा उनको वेपन सप्लाई किया जा रहा था, या फिर ऐसे लोग जिनके द्वारा नक्सलियों तक वेपन पहुंचाने में इन मुख्य आरोपियों का सहयोग किया जा रहा था। इसी सिलसिले में हमने बालाघाट जिले से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जो कि नक्सली दलन से जुड़े हुए हैं, जो संपर्क स्थापित करके इन वेपन को सप्लाई करवा रहे थे। इसके अलावा गोंदिया जिले से भी गोंदिया पुलिस की मदद से बालाघाट पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने वेपन सप्लाई और एक्सप्लोजिव सप्लाई में जिनकी भूमिका है। इन सभी लोगों से और भी पूछताछ की जा रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि नेटवर्क में कुछ अन्य लोगों भी शामिल होने की पूर्ण संभावना है, और उनको भी पकड़कर उनसे पूछताछ की जाएगी और उनकी जो क्रिमिनल लाइबिलिटी है क्रिमिनल एक्ट के हिसाब से उनसे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अब तक कुल 10 की गिरफ्तारी, अभी तक 10 लोगों की गिरफ्तारी और अन्य राज्यों से भी इनके संपर्क हैं। हाँ जी हाँ, ये जो नेटवर्क है, ये क्योंकि हमारा एरिया ही ट्राइजेंशन पर है, तो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश का आसपास का पूरा भौगोलिक क्षेत्र जुड़ा हुआ, और ये नेटवर्क इन तीनों भी राज्यों में जो एक्टिव नक्सल दल है उनको हथियार और एक्सप्लोजिव के साथ अन्य जो टेक्टिकल इक्विपमेंट्स हैं, जैसे दूरबीन हो गया, नाइट विजन हो गया, टॉर्च, एलईडी, टेंटेजेस, ड्रेस के आइटम्स, शूज, ये सभी सप्लाई कर रहे थे। अब सभी कार्रवाई में इसमें जो मुख्य आरोपी हैं घनश्याम, इनके द्वारा कुछ असला, कुछ गोला बारूद भी छुपा के रखा गया था, जो इनके द्वारा अभी जब्त कराया पुलिस ने। इसमें एक पिस्टल और लगभग 490 जो है AK-47 के राउंड तथा कुछ और टॉर्च, एलईडीज, बायनोकुलर, ये सब भी इनके पास से जब्त हुआ है, और ऐसा लग रहा है कि कहीं अन्य भी लोगों के पास इस तरह का और भी असला मिलने की संभावना है। इसके पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पुलिस एक साथ सभी जगह कई ठिकानों पर इनके छापे मार रही है।